हेलो स्टूडेंट वेलकम टू क्लास इलेवन अकाउंटेंसी बेटा इन अवर लास्ट लेक्चर, वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर जर्नल एंट्री एंड इन दैट लेक्चर, वी हैव लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ जर्नल इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल एंट्री एंड इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ठीक है यानी कि जर्नल की बुक में हमें किस तरीके से जर्नल एंट्री को पास करना है आपको मैंने बताया था जर्नल इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वे आर वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन फर्स्ट टाइम फ्रॉम सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वॉट अबाउट द जर्नल एंट्री इट इज अ प्रोसेस मतलब एक जो वे हम पास करते हैं जो वे हम रिकॉर्ड का मेथड है जो हम अप्लाई करते हैं वो हमारा कहलाता है जर्नल एंट्री ठीक है फॉर्मेट मैंने आपको समझाया हुआ था जर्नल एंट्री का अब एक बार हम देख लेते हैं टाइप ऑफ जर्नल एंट्री टाइप ऑफ जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट सिंपल जर्नल एंट्री एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री सिंपल जर्नल एंट्री इन दिस टाइप ऑफ जर्नल एंट्री इन विच ओनली टू अकाउंट्स आर एफेक्टेड वेयर वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ एन इक्वल अमाउंट सिंपल सी लैंग्वेज में बेटा आप समझ लीजिए मैंने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम में कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट एटलीस्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन वन विल बी डेबिट एंड अदर विल बी क्रेडिट एंड डेबिट ऑलवेज इक्वल क्वल टू बी क्रेडिट सो सिंपल जनरल एंट्री इट इज अ टाइप ऑफ एंट्री In which only two accounts are affected means only two accounts, one will be from debit side and other will be from credit side. And what will be compound journal entry? Compound journal entry it is the type of entry in which more than two accounts are affected means more than two account either in debit side or credit side known as the combined journal entry. सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि सिर्फ एक दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं तो आप ने सिंपल जर्नल इंट्री पास कर दी मोर देन टू अकाउंट विल बी अफेक्टेड और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यानी कि दो इंट्री को मिलाकर अगर आप एक इंट्री पास करते हो तो वो आपका कहलाता है कंपाउंड जर्नल इंट्री आप इसको इस तरीके से समझ लो ठीक है मैं आपको समझा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में गिवन है सैलरी पेड ठीक है बेटा सैलरी पेड इन दिस ट्रांजेक्शन टू अकाउंट आर एफेक्टेड सबसे पहले तो मैंने आपको समझाया था डबल एंट्री सिस्टम में एज वेल एज अकाउंटिंग इक्वेशन में कि आपको सबसे पहले रिकोगनाइज करना है कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं तो इसमें एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है सैलरी और दूसरा अकाउंट है कैश ठीक है सिर्फ दो अकाउंट है अब जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा तो सैलरी अकाउंट डेटेड टू कैश अकाउंट बेटा ये तो आपका कौन सा हो गया कैश अकाउंट ये आपका हो गया सिंपल जर्नल एंट्री ठीक है अब आप देखो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होगा आपका हाउ यू विल पास कंपाउंड जर्नल एंट्री फॉर एग्जाम्पल इन योर क्वेश्चन इज गिवेन सैलरी पेड सैलरी पेड एज वेल एज वेजेस पेड बेटा वेजेस भी एक्सपेंसिव है और सैलरी भी एक्सपेंसिव है तो आपके कॉमन हो रहा है ना डेबिट में दो एक्सपेंसेस आपके कॉमन है एंड क्रेडिट में आप क्या दे रहे हो कैश दे रहे हो तो आपने क्या पे किया सैलरी सैलरी आपका डेबिट होगा क्लियर फिर आपने क्या पे किया वेजेस पे किया ये भी क्या हो गया डेबिट हो गया एंड टू कैश कैसे बेटा कैश कॉमन हुआ सैलरी में एंट्री क्या पास होती है सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट वेजेस में क्या एंट्री पास होगी वेजेस अकाउंट डेप्टेड टू कैश अकाउंट तो हमने क्या किया दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड एंट्री पास कर दिया अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपने जर्नल एंट्री सीखा ही नहीं तो आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री कहां से समझ में आएगी फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि जर्नल एंट्री सिंपल टाइप ऑफ जर्नल एंट्री में सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री ठीक है अब हम बात करते हैं बेटा जो हमारा थर्ड चैप्टर था हमने लर्न किया है डबल इंट्री सिस्टम में रूल ऑफ अकाउंटिंग हमारी पूरी अकाउंट आइदर फॉर क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ और फॉर सीनियर क्लासेस सारी की सारी किस पर डिपेंड करती है हमारी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में जैसे किसी भी आ, मकान जो मकान होता है वो किस पर टू फ्लोर हो थ्री फ्लोर फ्लोर हो या कितनी बड़ी बिल्डिंग हो उसकी न्यू पर डिपेंड करती है कितनी अच्छी न्यू है उतने ही दिन तक बिल्डिंग टिकेगी तो यहाँ पर क्या है अगर आपने रूल बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपकी अकाउंट्स की नॉलेज बहुत अच्छी होने वाली है ठीक है तो हमारा पूरा अकाउंटिंग है वो किस पर डिपेंड करती है हमारी रूल ऑफ अकाउंटिंग में चैप्टर थर्ड में मैंने आपको समझाया था कि अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज पर अमेरिकन अप्रोच और एज पर ब्रिटिश अप्रोच जो हमारा ब्रिटिश अप्रोच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है या फिर हम इसको बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग जो रूल होंगे उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है तो प्लीज आप उस चैप्टर्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं जर्नल तो मैं ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर्स को वापस से नहीं समझाऊंगी इसके लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आप उस चैप्टर्स को देख लेना डबल एंट्री सिस्टम के आपके लेक्चर्स गिवेन है रूल ऑफ अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अप्रोच में क्या है अकाउंट्स आर थ्री टाइप पर्सनल रियल एंड नॉमिनल ठीक है पर्सनल में नेम ऑफ पर्सन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम श्याम बिल्डिंग राम श्याम नेम ऑफ कंपनी इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा रियल अकाउंट में नेम ऑफ एसेट्स फॉर एग्जाम्पल लैंड बिल्डिंग मशीनरी नॉमिनल में द अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस तो बेटा यहाँ पर इसके रूल थे हमारे जो वापस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे इसके रूल थे बेटा पर्सनल अकाउंट में जो हमारा रूल है डेबिट द दे रिसीवर क्रेडिट द गिवर आपको लर्न करना है जब कभी भी हम आपसे पूछे आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए रियल का रूल है डेबिट वॉर कम्स इन क्रेडिट वॉर गोज आउट एंड नॉर्मनल का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज क्रेडिट ऑल द गेंस एंड इनकम यह आपने चैप्टर थर्ड में ऑलरेडी लर्न कर लिया हुआ मैंने फिर भी आपको रिविजन के लिए बता दिया है आपको अब ये नहीं कि चैप्टर ओवर हो गया तो आपको अब अकाउंट्स के रूल की जरूरत नहीं है चैप्टर ओवर हो गया कोई बात नहीं लेकिन रूल कभी ओवर नहीं होंगे आपको हमेशा लर्न करने हर चैप्टर्स में काम आएंगे फिर मैंने आपको बताया था रूल ऑफ अकाउंटिंग में मॉडर्न अप्रोच दो अप्रोच है दो तरीके से रूल हम अप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश रूल या फिर अमेरिकन रूल ठीक है साइंटिफिक अगर आजकल के टाइम दोनों ही बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर साइंटिफिक देखा जाए तो शायद आपको ज्यादा रिलीवेंट ये लगेगा अमेरिकन अप्रोच ठीक है एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन इंटू फाइव कैटेगरीज एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंसिस ठीक है बेटा एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल अमेरिकन अप्रोच ऑल वी नो वन साइड विल बी डेबिट अदर साइड विल भी क्रेडिट लेफ्ट हैंड ऑलवेज डेबिट राइट हैंड ऑलवेज क्रेडिट तो क्या डेबिट होगा और कब होगा तो so, इसके लिए रूल है एसेट्स अगर आपकी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है एसेट्स अगर आपकी इंक्रीज हो रही है डेबिट होगी डिक्रीज हो रही है देन क्रेडिट ठीक है लाइबिलिटीज अगर आपकी डिक्रीज हो रही है यानी कि कम हो रही है तो डेबिट एंड अगर इंक्रीज हो रही है देन क्रेडिट ठीक है कैपिटल सेम रूल है डिक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट इनकम डिक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट तो बेटा यहां पर आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि लाइबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल इन तीनों के रूल सेम है फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के लिए एंड एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के रूल सेम है डेबिट एंड क्रेडिट के लिए अब आपको लगेगा अप्लाई कैसे करना है ठीक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है वो हम आपको समझाएंगे क्योंकि आपको आता ही नहीं है अप्लाई किस तरीके से करना है ठीक है हाँ मैंने चैप्टर्स के बाद आपको इसके पहले आपको समझाया हुआ है वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है टी शेप अकाउंट में अकाउंटिंग इक्वेशंस में प्लीज आप अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसके लेक्चर्स को बार बार देखिए डबल एंट्री सिस्टम एंड अकाउंटिंग इक्वेशन वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डेबिट में कब क्या जाता है और क्रेडिट में किस तरीके से जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं अपने जर्नल एंट्री की हमारा चैप्टर है जर्नल एंट्री तो हम जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कब डेबिट करना है एंड कब क्रेडिट करना है ठीक है बेटा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो हम एक एग्जाम्पल लेकर पढ़ते हैं ये हमने फोर्थ चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेश भी मी लर्न किया है मैं आपको एक एग्जाम्पल से वापस से समझा देती हूँ कि अगर हम इसको लर्न करेंगे किस तरीके से सपोज हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ठीक है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज फाइव लैख सबसे पहले आपको दो अकाउंट रिकॉग्नाइज करने हैं तो बेटा एक तो हमारा कौन सा अकाउंट है इसमें कैश है ठीक है दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट है कैश आ रहा है बिजनेस में और किस फॉर्म में आ रहा है कैपिटल की फॉर्म में आपको मैंने समझाया था जब कभी भी बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करता है फर्स्ट टाइम जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो वॉट एवर गिवन बाई ऑनर इन टू द बिजनेस नोन एज द कैपिटल बिजनेस के स्टार्टिंग में बिजनेसमैन जो कुछ भी बिजनेस को देगा वो हमारी क्या है कैपिटल है ठीक है बिजनेस में कैश आ रहा कैश हमारी क्या है एसेट्स है ठीक है और कैपिटल क्या है हमारी कैपिटल हमारी कैपिटल है तो अभी आपको मैंने रूल बताए थे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग तो बिजनेस में कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी क्रेडिट और कैश एसेट्स एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट तो जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करना है कैश अकाउंट डेप्टेड टू कैपिटल अकाउंट अब आप बोलेंगे हमें तो अभी कुछ समझ में नहीं आया तो बेटा इसके लिए मैं फिर बोलूंगी आपको चैप्टर सेकेंड चैप्टर थर्ड डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर सेकेंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर थर्ड डबल एंट्री सिस्टम एंड अकाउंटिंग इक्वेश में मैंने आपको टी-शेप अकाउंट बहुत अच्छे से समझाए हैं तो आप प्लीज कभी भी आपके पास टाइम हो गो थ्रू दी लेक्चर ठीक है उसके चैनल्स में यूट्यूब चैनल्स में उसके लेक्चर्स पढ़े तो आप उसको बार बार देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो वैसे भी आपको इतना कुछ क्लियर तो होगा नहीं तो कोई बात नहीं जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करनी है बहुत आसान है चुटकियों में आ जाएगा रूल हम अप्लीकेबल करते रहेंगे लेकिन मैं आपको एक सिंपल से मेथड से समझाती हूँ कि जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी एक बार आपने इसको करना स्टार्ट कर दिया तो रूल आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे पहले अगर आप समझोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाए फिर आप करो तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो देखो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का ठीक है बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट है हमारा डेट पर्टिकुलर ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा होगा ठीक है आप कॉपी में फुल ले पेज ले लेंगे इस कॉलम को बड़ा रखेंगे एल एफ लेजर फोलियो ये हमारा छोटा सा कॉलम है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट सबसे पहले जिस भी बंदे का आप जर्नल बना रहे हो उसका नाम लिखोगे जर्नल फॉर एग्जाम्पल जर्नल ऑफ राम श्याम एक्सेट्रा नेम नहीं गिवेन है तो जर्नल ऑफ डैश 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 डेस्ट मतलब ना मतलब जर्नल ऑफ जिसका भी नेम गिवेन है वो आप लिख देंगे ठीक है फिर अगर हम बात करते हैं हमारी इसकी पहला कॉलम हमारा बेटा किसका है डेट का नेक्स्ट कॉलम किसका है पर्टिकुलर यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास करेंगे नेक्स्ट कॉलम किसका है एलअ फिर किसका है आपका डेबिट अमाउंट अमाउंट के लिए आप रुपीज का साइन बना देंगे ठीक है एंड क्रेडिट नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए मैं तो स्क्रीन पे लिख रही हूं तो शायद क्लियर नहीं आ रहा हो लेकिन कॉपी में आप बहुत क्लियर काम करेंगे मैंने इसके फॉर्मेट भी पर्टिकुलर बनाकर दे दिया है आपको तो आपको स्पेलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली ठीक है हमें इस फॉर्मेट में करना है अब बेटा अगर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश तो बिजनेस में क्या आ रहा है कैश आ रहा है तो देखो हम इंट्री किस तरीके से पास करेंगे सपोज अगर डेट है आपकी 2020 तो सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे है आपका फर्स्ट अप्रैल मंथ हम बाद में लिखेंगे अब आपको क्या करना है ईयर बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मंथ को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं सिर्फ आप डेट रिपीट करोगे ठीक है डेट मतलब रिपीट नहीं करोगे जब नेक्स्ट डेट होगी वो आप लिखेंगे तो सपोज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 तो एंट्री क्या होगी बिजनेस में क्या आ रहा है बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अब आप बोलेंगे मैडम आपको तो आता था तो आपने कर दिया तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट बेटा एंट्री को लिखने के बाद हम क्या करते हैं इस एंट्री का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे पर्टिकुलर मतलब सारी डिटेल विवरण है इसका क्या फर्स्ट अप्रैल को क्या हुआ था कैश आया था गया था गुड्स परचेस किया था सेल किया था तो जब हम जर्नल लिखेंगे तो हमें पता चलेगा फर्स्ट अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और डिस्क्रिप्शन नरेशन डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे इसको नरेशन बोलते हैं एंट्री क्या हो जाएगी नरेशन क्या लिखेंगे हम बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ठीक है और आप इस तरीके से हर नरेशन के बाद एक अंडरलाइन खींचेंगे ठीक है अमाउंट सपोज वन लेख है तो आप डेबिट में कैश डेबिट हो रहा है तो देखो बेटा डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में डेबिट के अमाउंट कैपिटल क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है कैपिटल तो आप डेबिट के सामने डेबिट के अमाउंट क्रेडिट के सामने क्रेडिट के अमाउंट इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है ठीक है फॉर्मेट में आपको दे दूंगी फॉर्मेट में पास की हुई जर्नल एंट्री दे दूंगी लेकिन पहले आप समझ लो आपको जर्नल किस तरीके से पास करना है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा चेंज कर दिया बिजनेस स्टार्टेड विथ स्टॉक माल के साथ में हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी अगेन अगर आप फॉर्मेट में पास करोगे तो क्या हो जाएगा डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट अलव डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट बेटा आपको हर इंट्री के लिए बार बार फॉर्मेट पास करने की जरूरत नहीं हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम आपको हर बार एंट्री पास करके दिखा रहे हैं लेकिन आप जब कॉपी में करेंगे तो फुल पेज का एक सेपरेट कॉलम बनेगा एक कॉलम बनेगा और आप उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको एंट्री पास करनी है ठीक है तो इसकी एंट्री अगर क्या हो जाएगी हम पास करेंगे तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी बेटा बिजनेस में क्या आ रहा है स्टॉक आ रहा है ठीक है वट एवर इंट्रोड्यूस बाई बिजनेस मैन नोन एज द कैपिटल स्टॉक आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है कैपिटल की फॉर्म में तो बिजनेस स्टॉक अकाउंट डेप्टेड टू तो, कैपिटल अकाउंट नरेशन क्या हो जाएगा बिजनेस बिजनेस स्टार्टेड विथ स्टॉक बिजनेस स्टार्टेड विथ स्टॉक और बेटा आपको इस तरीके से लाइन खींच के फिर आपको क्या करना है जैसे निरेशन आप लिख दोगे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और आपकी एंट्री हो जाएगी सपोज अमाउंट कितनी है ट्वेंटी थाउजेंड तो आप डेबिट में जो डेबिट हो रहा है उसके सामने डेबिट के अमाउंट जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट के अमाउंट फर ईयर सबसे पहले लिखेंगे फिर आप मंथ लिखेंगे फिर आप डेट लिखेंगे तो आई होप यू अंडरस्टैंड ठीक है इस फॉर्मेट में आप काम करेंगे देखो इस फॉर्मेट को प्रॉपर हम किस तरीके से बनाएंगे तो देखो ये हमारा एक क्वेश्चन होगा ये हमारा एक क्वेश्चन है इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में इस क्वेश्चंस को अगर आपको कॉपी में करना होगा तो आप फुल पेज का क्या करेंगे एक फॉर्मेट इस तरीके से एक फॉर्मेट आप बनाएंगे डेट का कॉलम आपका हो जाएगा पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा देखिए फर्स्ट कॉलम होगा आपका डेट का पर्टिकुलर एल एफ छोटा सा कुछ नहीं लिखना है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट एंट्री आप पास करेंगे बेटा तो देखो ये वाला जो आपने कॉलम ये अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है इसको कुछ भी जरूरत नहीं अंडरलाइन करने की ये जो पर्टिकुलर का कॉलम है आपका ये जो पर्टिकुलर कॉलम है आपका इसमें आपको क्या करना है एंट्रिया पास करने के बाद एंट्रिया आपने पास की ठीक है एंड देन नरेशन लिखा आपने डेट के कॉलम में डेट लिख दिया ईयर डाल दिया हर बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं होगी एंड मंथ आप इंट्रिया पास करते जाएंगे आफ्टर ईच एंट्री यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन नोन एज दी आफ्टर नरेशन यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन एंड आफ्टर एंट्री यू हैव टू राइट नरेशन डिस्क्रिप्शन होगा हमें पता चलेगा बिजनेस में क्या आया और क्या गया है तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा ठीक है तो अब देखो हम एक आपको समझाते हैं कि अब आप एंट्री किस तरीके से पास करोगे फॉर्मेट तो क्लियर हो गया होगा लेकिन एंट्रियां किस तरीके से पास होंगी ये भी तो क्लियर होना चाहिए तो बेटा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ कि जब अगर आपके पास एंट्रियां आए तो आप किस तरीके से पास करोगे इसको आप लिख लीजिए राइट डाउन कर लीजिए कि आप किस तरीके से एंट्री पास करेंगे पहली एंट्री सबसे पहले क्या होगा बिजनेस में हमेशा क्या होता है बिजनेस स्टार्ट होगा ठीक है तो पहली एंट्री क्या आपकी बनेगी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश अगर कभी भी आपके पास, स्टार्ट तो आप पास, पास बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हो तो आप इसकी एंट्री क्या पास होगी हमेशा इसकी एंट्री पास होगी अगर बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हो बिजनेस में क्या आ रहा है कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ठीक है नोट्स में मैं आपको दे दूंगी फिर भी आप इसको लिख लीजिएगा ये आपके फॉर्मेट है ये एग्जाम्पल है पांच छह इंटर के मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगी आप सिर्फ नेम चेंज होगा अमाउंट चेंज होंगी और हर बार लैंग्वेज यही होगा आइदर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश और बिजनेस कमेंस तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होगी जो भी एसेट्स बिजनेस में आ रही हैं वो आपकी डेबिट हो जाएंगी और कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट फिर आप कैपिटल पर क्रेडिट हो गया उसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पर नरेशन तो नरेशन आप लिखने के लिए क्या करोगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश तो एंट्री सेम आ जाएगी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ठीक है जब आप एंट्री पास करोगे तो डेबिट के कॉलम में डेबिट के अमाउंट सपोज फाइव थाउजेंड क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट के अमाउंट बेटा इसमें मैंने फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया आपको एग्जाम्पल लिख समझा रही हूँ लेकिन जब कभी भी आप फॉर्मेट आप जब एंट्री पास करेंगे तो विथ फॉर्मेट सेम एंट्री में थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं अगर आपके क्वेश्चन में गिवेन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बैंक स्टॉक एक्सेट्रा मशीनरी भी हो सकती है लैंड भी हो सकता है फर्नीचर भी हो सकता है तो बेटा इसकी एंट्री क्या पास होगी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बैंक स्टॉक वॉट जो भी कुछ स्टार्ट हो रहा है बिजनेस के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो सारा का सारा डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट तो देखो हमारी एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड ठीक है और क्या रहा है बिजनेस में बैंक का बैलेंस भी है देन एंट्री क्या हो जाएगी हमारी सेकेंड हमारी इंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड देन बैंक अकाउंट डेबिटेड और क्या बिजनेस में आ रहा है स्टॉक आ रहा है देन स्टॉक अकाउंट डेबिटेड अगर बेटा मशीनरी भी होता बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश स्टॉक बैंक मशीनरी तो मशीनरी भी डेबिट हो जाएगा जो कुछ भी बिजनेस में आएगा ऑन द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस डेट विल बी डेबिटेड तो कैश अकाउंट डेबिटेड बैंक अकाउंट डेबिटेड स्टॉक अकाउंट डेबिटेड और ये सब किस फॉर्म में आ रहे हैं कैपिटल की फॉर्म में तो आप लिख देंगे कैपिटल अकाउंट और एंट्री के बाद आप नरेशन लिखेंगे ये आपके पर्टिकुलर वाला कॉलम है ना मैं एल की बात कर रही हूँ ना अमाउंट की पर्टिकुलर में आप इस तरीके से लिखोगे और एंट्री के आपके पास हो जाएगी नरेशन हो जाएगा इसका बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश कॉमा बैंक एंड कॉमा स्टॉक और ब्रैकेट क्लोज करके आप क्या करोगे इसके बाद इसमें देखो प्रॉपरली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ठीक है नरेशन के बाद क्या लिखेंगे आप पर्टिकुलर कॉलम में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ये आपकी एंट्री किसके पास हो रही है बेटा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बैंक एंड स्टॉक तो मैंने आपको एक एंट्री क्लियर करा दी स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्टेड ठीक है अब हम दूसरी एंट्री लेते हैं बिजनेस में देखो मेन मेन काम क्या होता है सबसे पहले आपका बिजनेस स्टार्ट होगा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो एंट्री हमेशा हर बार पास होगी कैश अकाउंट डेप्टेड टू कैपिटल अकाउंट अब लिखा हुआ क्लियर गिवन है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बैंक स्टॉक मशीनरी तो जो कुछ भी आया है सब डेबिट कर दो कैश अकाउंट डैप्टेड बिल्डिंग अकाउंट डेप्टेड मशीनरी अकाउंट डेप्टेड स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट नरेशन हो जाएगा बिजनेस स्टार्टेड अगर आपको बहुत कुछ नहीं लिखना आप लिख है? है, तो ऑप्शन लिख दीजिए मशीनरी है अगर बिजनेस में क्या हो जाएगी कोई भी एसेट्स परचेज हो रही है एसेट्स अब बेटा आपको क्या दिक्कत आएगी एसेट्स होती क्या है तो आपको इसके लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखना होगा ठीक है वो जो चीज़ें बार बार बिजनेस में रिपीट नहीं होती हैं ठीक है हेल्प है? करती हैं एसेट्स में आपके लैंड बिल्डिंग मशीनरी टेंजिबल एंड टेंजिबल दोनों होती है लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर्स मतलब सब होगा लेकिन डेटर तो हम परचेज नहीं करेंगे तो अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि लैंड बिल्डिंग मशीनरी कार कंप्यूटर परचेज किया गया है तो उस केस में हम क्या करेंगे ठीक है सिर्फ अगर आपका लिखा है परचेज कुछ नहीं लिखा है एसेट्स परचेज तो ये आपकी कैसी परचेज है बेटा कैश में ठीक है तो इसकी एंट्री क्या होगी एसिड्स को हम डेबिट कर देंगे कोई भी एसिड्स हो उसको हम लोग क्या कर देंगे एसिड्स अकाउंट डेबिटेड तो एंट्री क्या पास हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और नरेशन हो एसेड्स परचेज देखो इतना आसान समझाऊंगी कि आपको पहले लेक्चर में आराम से आ जाएगा -फड़ अब फटाफट नोम करने लगोगे एसेट्स परचेज अब बेटा एसेट्स परचेज में अगर आपके क्वेश्चंस में ये गिवन हो कि बिल्डिंग परचेज तो बिल्डिंग भी क्या आपकी एसेट्स है तो एंट्री क्या आपके पास हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू फॉर एग्जाम्पल एसेट्स परचेज में अगर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी बिल्डिंग परचेज ठीक है बिल्डिंग भी आपकी एसेट्स है मैंने आपको समझाया एसेट्स परचेज की एंट्री क्या होती है एसेट्स अकाउंट अकाउंटेड टू कैश अकाउंट तो अगर आपके क्वेश्चन में गिवेन है बिल्डिंग परचेज तो बिल्डिंग आपकी क्या है बेटा एसेट्स है तो देखो एंट्री क्या पास होगी पर्टिकुलर के हो कॉलम में कितना है आपको ये सब चीजें ठीक है पर्टिकुलर के कॉलम में डेट के कॉलम में डेट लिखना है नरेशन लिखना है इंट्री की बात में एल करना है डेबिट में डेबिट अमाउंट क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट लेकिन एक एग्जाम्पल आपको मैं लिखवा रही हूँ तो किस तरीके से होगा फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग परचेज तो इंट्री क्या हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्लियर ठीक है और डेबिट के सामने डेबिट के अमाउंट क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट आ जाएगी लिखा है फर्नीचर परचेज अगर आपके क्वेश्चन में ठीक है फर्नीचर परचेज तो देखो बेटो यहां पर फर्नीचर अगर आपका परचेस्ड है फर्नीचर एसेट्स है तो फर्नीचर भी क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्लियर फर्नीचर परचेस्ड लिखा है लैंड परचेज तो आप क्या लिखोगे लैंड परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ठीक है नरेशन क्या हो जाएगा लैंड परचेज तो बेटा अभी आपने क्या सीखा अगर कोई भी एसेट्स हम परचेज करते हैं तो वो एसेट्स हमारी डेबिट हो जाएगी रूल हम बाद में पढ़ेंगे रूल किस तरीके से एप्लीकेबल हो रहा वो भी सीखेंगे एक बार आप सिंपल सिंपल से एग्जांपल समझ लो ताकि एंट्री आपको समझ में आने लगे जब आप तीन से चार क्वेश्चंस कर लेंगे आपको एंट्रिया क्लियर हो जाएंगी तो मैं आपको सारे रूल समझा दूंगी लैंड हमारी एसेट्स है डेबिट हो रही है ठीक है एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रही है डेबिट हो रही है कैश भी हमारी एसेट्स है कैश डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रही है क्रेडिट ये हमारे रूल भी लग रहे हैं ठीक है ठीके? तो अब आप मैं, मैंने आपको समझाया था किसके इेशन बताया मैंने आपको एसेट्स परचेस का ठीक है बेटा किसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है एसेट्स परचेज का अब एसेट्स कैन बी परचेस्ड इन कैश और क्रेडिट मान लो आप मार्केट में गए आपने कैश में खरीदा तो आप इंट्री क्या पास करोगे फर्नीचर अकाउंट टू कैश अब आपने क्रेडिट में खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेप्टेड टू क्रेडिटर्स क्रेडिट का मतलब है उधार में आपने पेमेंट नहीं दिया अगर आपने चेक से खरीदा है तो क्रेडिट एसेट्स अकाउंट डेप्टेड टू बैंक अकाउंट तो देखो यहाँ पर मैं तीनों एग्जाम्पल आपको समझा देती जब एसेट्स आप परचेस करोगे तो एसेट्स में इट फर्नीचर लैंड बिल्डिंग जो भी होगा वो आ जाएगी ठीक है यानी कि एसेट्स में लैंड अकाउंट डेप्टेड फर्नीचर अकाउंट डेप्टेड मशीनरी अकाउंट डेप्टेड जो भी वॉट एसेट्स आपने परचेस की वो डेबिट हो जाएगी अब अगर आप कैश में परचेस कर रहे हो तो कैश हो जाएगा ठीक है टू कैश अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा टू बैंक और अगर आप उधार में खरीद रहे हो तो अगर उस बंदे का नेम गिवन है कि आपने राम से खरीदा श्याम से खरीदा एक्स वाई जेड से खरीदा तो उस बंदे का नाम आ जाएगा लिखा हुआ है एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट तो आप लिख दोगे टू क्रेडिटर्स ठीक है बेटा इसको देखो प्रॉपर देख लो किस तरीके से आएगा इसमें हो जाएगा टू क्रेडिटर्स ठीक है इसको हम चलो यहां पर मैं लिख देती हूं टू क्रेडिटर्स तो आप समझ लेना अगर कैश में परचेज है तो फर्नीचर खरीदा आपने सपोज फर्नीचर एंट्री क्या हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट लिखा है फर्नीचर परचेज एंड चेक पेड एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक गिवेन है फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट तो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स ठीक है तो अभी एक बार इसको आप लिख लेना कहाँ पर जो मैं एंट्री आपको लिखवा रही हूँ ठीक है फिर नेक्स्ट है आपका अगर गुड्स आप परचेस करते हो बेटा गुड्स क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझाया है गुड्स वो होता है विच कैन बी परचेज फॉर रिच री सेल पर्पज यानि कि जिसको आपने रीसेल पर्पज के लिए खरीदा हुआ है यानी कि वो माल जो आप बिजनेस में रखने के लिए नहीं खरीद रहे हो आप इसको सेल करोगे और आप रेवेन्यू जनरेट करोगे तो वो आपका कहलाता है गुड्स ठीक है गुड्स के अकाउंट आपको मैंने बताए थे स्टॉक अकाउंट कैश स्टॉक हो गया परचेज हो गया ये गुड्स के हमारे कौन कौन से अकाउंट होते हैं गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइव कैटेगरीज परचेज सेल्स ठीक है स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ये आपका आ जाएगा परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न तो ये आपके थे गुड्स के मैंने आपको अकाउंट समझाए थे ठीक है गुड्स होता क्या है विच वी आर परचेजिंग फॉर रीसेल है जहां भी गुड्स गिवेन होगा याद रखना गुड्स का मतलब होगा परचेज या फिर सेल्स या फिर परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न एसिड्स नहीं है तो गुड्स परचेज अगर आपके क्वेश्चन में गिवेन है तो देखो यहाँ पर एंट्री क्या होगी सिर्फ परचेज किन है इसका मतलब है ये परचेज हमेशा किस में होगी कैश में होगी कुछ भी नहीं गिवेन है सिंपल सा गिवेन है तो इसका मतलब है ये परचेज हमेशा कैश में है तो एंट्री क्या होगी अगर कैश में परचेज होगी तो हमारे पास परचेज हमारा एक्सपेंसिज है एक्सपेंसिज हमारा इंक्रीज होगा तो परचेज क्या हो जाएगी डेबिट परचेज अकाउंट डेप्टेड टू कैश अकाउंट ठीक है परचेज अकाउंट डेप्टेड टू कैश अकाउंट लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में ये क्लियर कुछ नहीं गिवेन है सिर्फ लिखा है गुड्स परचेज एंड चेक पेड बेटा एंट्री क्या हो जाएगी परचेज अकाउंट डेप्टेड टू बैंक अकाउंट ठीक है परचेज अकाउंट डेप्टेड टू बैंक अकाउंट तो ये मैंने आपको एंट्री समझा दी अब देखो कंबाइंड एंट्री अगर आप बनाओगे इसकी तीनों कंडीशंस में एंट्री क्या पास होगी अगर आपके क्वेश्चंस में गुड्स परचेज हैं ठीक है इट कैन बी ऑन कैश और इट कैन बी ऑन क्रेडिट और इट फॉर बैंक पेमेंट तो लिखा होगा गुड्स परचेज मतलब कैश परचेज है गुड्स परचेज एंड चेक पेड मतलब बैंक से आपने पेमेंट किया है और गिवेन ए गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या गुड्स परचेज फ्रॉम राम श्याम मोहन फर्नीचर हाउस इसका मतलब है वो क्रेडिट में परचेज है तो एंट्री क्या होगी परचेज अकाउंट आपका क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अगर कैश में परचेज है तो कैश डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट ठीक है अगर चेक से पेमेंट किया है तो बैंक कैश सॉरी डेबिट नहीं क्रेडिट हो जाएगा बैंक अगर चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अगर आपने उधार में ही परचेज की है तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ठीक है ये एंट्री किसकी थी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फिर हम बात करते हैं किसकी बेटा इसको लिख लेना आप लोग गुड्स सोल्ड की सोल्ड माल बेचा ठीक है तो ये भी हो सकता है कैश में हमने बेचा है सेल आ, सेल किया है हमने क्रेडिट में या फिर हो सकता है हमने चेक से भी पेमेंट लिया हो तो गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या होगी हमारे पास क्या आ रहा है बेटा कैश आ रहा है ठीक है अगर कैश नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है हमारे पास चेक से पेमेंट होगा जिस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक हो जाएगा और अगर उधार में हमने सेल की है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे डेटर्स मैंने आपको समझाया था डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टू वर्ड्स हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमें पेमेंट करना है डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पेमेंट लेना है तो आई कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और डेटर्स अकाउंट आपके क्या हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे एंड क्या हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट और नरेशन क्या हो जाएगा गुड्स सोल्ड ठीक है ये और नरेशन के बाद आप एक अंडरलाइन खींच देंगे तो ये आपकी एंट्री किसके पास हो गई सेल्स अकाउंट की ठीक है कैश में पेमेंट हो कैश अकाउंट अकाउंटेड तो टू सेल्स अकाउंट चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक अकाउंट अकाउंटेड तो टू सेल्स अकाउंट और क्रेडिट में यानी कि उधार है तो डेटर्स अकाउंट अकाउंटेड तो टू सेल्स अकाउंट अगर उधार जिसको दिया है उस बंदे के नेम गिवेन है फॉर एग्जाम्पल गुड सोल्ड टू राम तो राम अकाउंट अकाउंटेड तो टू सेल्स अकाउंट फिलहाल एक बार आप इसको लिख लेना परेशान मत होना जब हम नोमैरिकल करेंगे तो सारे डाउट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे फिर तीन हमने एंट्री पढ़ ली बिजनेस स्टार्टेड एसेट सॉरी चार पढ़ ली है बिजनेस स्टार्टेड देन एसेट्स परचेज गुड्स सोल्ड एंड देन आपका गुड्स परचेज और हम हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंसिस पेड पांच अकाउंट है और हम उसी की कैटेगरी में पांच हम टाइप की हम एंट्रियां पढ़ रहे हैं तो एक्सपेंसेस अगर हम कोई एक्सपेंसेस आपको पे करते हैं ठीक है तो किस किसमें पे होगा या तो चेक से होगा या फिर कैश में होगा तो अगेन एंट्री क्या हो जाएगी जिस भी एक्सपेंसेस को हम पे करेंगे वो आपका डेबिट हो जाएगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट नरेशन हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस पेड अमाउंट जब हम नोमैटल करेंगे तो अमाउंट के कॉलम में डालेंगे अब बेटा एक्सपेंसेस आपने जो पे किया है एक्सपेंसेस कैन बी सैलरी पेड वेजेस पेड रेंट पेड कमीशन पेड कुछ भी खर्चा हो सकता है तो आपका तो मान लो अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है एक्सपेंसिस का नेम गिवन है फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड रुपीज़ वन थाउजेंड कितनी सैलरी आपकी जो आपने सैलरी पे की है बहुत कम बता दी मैंने सैलरी पेड टेन थाउजेंड कर लेते हैं ठीक है रुपीज़ टेन थाउजेंड तो एंट्री क्या होगी कुछ नहीं करना है वेरी सिंपल सैलरी अकाउंट अकाउंट डेबिटेड तो टू कैश अकाँट. अगर आपने चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक हो जाएगा तो बेटा नरेशन हो जाएगा सैलरी पेड ठीक है स्पेस कम है तो मैं शायद प्रॉपर ना लिख पाऊँ सैलरी पेड और नरेशन के बाद अंडरलाइन अब लिखा होगा वेजेस पेड तो आप क्या करोगे वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू तो कैश अकाउंट लिखा है कमीशन पेड देन कमीशन अकाउंट डेप्टेड टू कैश अकाउंट लिखा है आपका रिपेयर चार्जेस पेड रिपेयर अकाउंट डेप्टेड टू कैश अकाउंट यानी कि कोई भी एक्सपेंसेस हो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा और कैश या बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा ये आपका किसका रूलता है एक्सपेंसिस का फिर हम बात करते हैं इनकम की इनकम रिसिव इनकम में मान लेते हैं हमें क्या मिला है आ, हमें इंटरेस्ट मिला है इंटरेस्ट बेटा ये भी हो सकता है रिसिव्ड कोई भी इनकम रिसिव्ड हो रही है फॉर एग्जांपल कमीशन रिसिव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड एक्सेट्रा तो उसकी एंट्री क्या होगी देखो यहाँ पर जब आपको इनकम अगर रिसिव्ड होगी तो मैंने एग्जांपल यहाँ पर ले लिया है इनकम का इंटरेस्ट रिसिव तो एंट्री क्या हो जाएगी इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट डेप्टेड टू क्या सॉरी मैंने गलत आपको लिख दिया है ये तो एक्सपेंसेस का था लिखा है आपका इनकम इनकम रिसीव तो बेटा इनकम रिसीवड होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश आपके पास आएगा या तो कैश से इनकम आपको मिलेगी या फिर चेक से मिलेगी तो या तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा या फिर बैंक अकाउंट डेप्टेड टू इनकम अकाउंट अब इनकम में अगर आपका कमीशन होगा तो आप लिख देंगे कैश अकाउंट अकाउंटेड टू कमीशन अकाउंट रेंट अगर आपको मिल रहा है तो कैश अकाउंट अकाउंटेड टू रेंट अकाउंट अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है देन कैश अकाउंट अकाउंट टू इंटरेस्ट चेक से मिल रही है आपको कुछ और इनकम मिल रही है आपको तो लिखोगे कैश अकाउंट अकाउंटेड टू दैट पर्टिकुलर या बैंक अकाउंट डेप्टेड टू इनकम अकाउंट सपोज रेंट रिसीव बाई चेक तो रेंट आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेप्टेड टू रेंट अकाउंट आप ये समझ लो जब आपको इनकम मिलेगी तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा और इनकम आपकी क्रेडिट हो जाएगी रूल के अकॉर्डिंग कैश एसिड्स है बिजनेस में आ रही है यानी कि बढ़ रही है ठीक है ये डिक्रीज नहीं हो रही इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो गया इनकम भी आपकी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी नरेशन हो जाएगा बिजनेस स्टार्ट सॉरी नरेशन हो जाएगा इनकम रिसीव बेटा इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो समझ सकते हो फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड रेंट पेड भी हो सकता है और रिसीव्ड भी अगर आप पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंसेस है आपके पास बिल्डिंग बड़ी है आपने क्या किया ये आपका एक्सपेंसेस है पेड ठीक है और रेंट रिसीव्ड क्या है आपकी इनकम है ठीक है पेड की एंट्री क्या करते आप, हो आप डेबिट हो जाता है एक्सपेंसेस रेंट अकाउंट डेप्टेड टू कैश अकाउंट नरेशन हो जाएगा इंटरेस्ट पेड सॉरी रेंट पेड अगर आपको मिल रहा है यहां पर अगर आपको मिल रहा है रिसीव्ड मैंने प्रॉपर नहीं लिखा हुआ इसको लिख देते एक बार रेंट ये रिसीव्ड है बेटा समझ लेना ठीक है तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश आपके पास आएगा तो कैश अकाउंट डेप्टेड टू रेंट अकाउंट, ठीक है नरेशन यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पर आ जाएगा सॉरी रेंट रिसीव्ड यहाँ पर आ जाएगा रेंट पेड ठीक है तो आपको देखना है देखो यहाँ पर एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं इनकम हमेशा क्रेडिट होती है कैश आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा रूल भी लग रहे हैं लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल फाइव इंटरेस्ट समझा दी आप इसको लिख लेना आई होप यू अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पांच एंट्री आपको समझाई है वापस से रिपीट कर लो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश की मैंने आपको एंट्री बताई है कैश अकाउंट डेप्टेड टू कैपिटल अकाउंट एसेट्स परचेज की है एसेट्स अकाउंट अडेप्टेड टू कैश अकाउंट फर्नी आपका गुड्स परचेज है परचेज अकाउंट अडेप्टेड टू कैश अकाउंट गुड्स सोल्ड कैश अकाउंट अडेप्टेड टू सेल्स अकाउंट एंड लास्ट में जो है आपका इनकम और एक्सपेंसेस की तो एक्सपेंसेस आपके डेबिट हो रहे हैं ठीक है और इनकम आपकी क्या हो रही है क्रेडिट आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा, और इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगी आप इसको लिख कवर कर लेना ठीक है